Hi, this is Subul Taukeer and you're watching me on Teleglam. Welcome to Teleglam. Hi. How are you? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच. तो सुबुल, आपसे पहली बार बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब शो आपको अप्रोच किया गया था, सो क्या रिएक्शन था और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी आप शो से? जब मुझे इस शो के लिए कॉल आया था, तब मेरी रिएक्शन तो ऐसा था कि इन लोगों ने मुझे क्यों कॉल किया स्टार प्लस के लीड के लिए, कि मतलब किसी और को भी कर सकते थे, किसी नोन फेस को कर सकते थे. बिकॉज हाँ, मैं भी हूँ 7-8 साल से इंडस्ट्री में, 7-8 साल से मैंने काम बहुत किया है, डन सीरियल्स ऑल्सो, एड्स ऑल्सो एंड अ फिल्म ऑल्सो, बट मुझे कभी उतना प्रॉपर किसी ने नोटिस नहीं किया. बिकॉज साइड रोल्स उतना वो नोटिस होता नहीं है कहीं पे भी. तो मुझे जब इसके लिए कॉल आया था, मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं इसके लिए, और एक्सपेक्टेशंस तो जीरो थी मेरी. मैं तो ये मन बना के बैठा था कि ये मुझे नहीं मिलने वाला है, और ये अनएक्सपेक्टेडली यही मुझे मिल गया. ओके, जब कैरेक्टर के बारे में आपको यू नो प्लॉट वॉट बताया गया, तो क्या रिएक्शन था? मतलब ये कैरेक्टर करना है नहीं करना है, क्या कुछ सबसे पहले दिमाग में आया था आपके? मैं ये कभी नहीं सोचती कि मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर करना है या नहीं करना है. इट्स लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो इमली हो, चाहे वो ग्रे शेड हो, चाहे वो कुछ अलग हो, कुछ बहुत बोल्ड हो. आई वांट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ. ओके, जब इतना मेरा है, मतलब एक्टिंग इज माय पैशन एंड इट्स माय फर्स्ट लव एक्चुअली, सो मुझे तो इसको हर तरीके से तराशना है कि मैं और क्या कर सकते हैं, ना इट्स लाइक खुद को खोजना है कि और क्या अच्छा मैं कर सकती हूँ, किस तरीके के रोल्स मैं कर सकती हूँ. सो जब मुझे ये कैरेक्टर बताया गया था, तो मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया. मैंने नॉर्मल लड़की, मतलब गांव की भी हो तो प्रॉपर ऐसे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाली लड़की मैंने मैंने कभी नहीं किया. और जैसा उन्होंने जितना रॉ लुक मुझे दिया है, एकदम सिंपल सा, मेरा मेकअप भी नहीं होता, मतलब मेकअप मेरा बहुत कम होता है, और मोस्टली तो कितने सारे सीन्स ऐसे हैं जो मैंने बिना मेकअप के शूट कर लिए. इट्स लाइक वो उन्होंने इतना नेचुरल लुक देके रखा है कि अगर मैं मेकअप नहीं भी करूँ तो भी लगता है कि मेकअप किया हुआ है. यस यस यस, उसमें फर्क ही नहीं दिखता. सो ये कैरेक्टर के प्लॉट को लेके मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, क्योंकि इसमें कुछ बना, मतलब ऐसा बनावटी नहीं था, ये बहुत नेचुरल था, बहुत रॉ था. एंड एक गाँव का एक जो अर्दी फीलिंग होता है उसमें वो था, तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा सा लगा. तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने छोड़ना नहीं है हाथ से, अब अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है सामने से तो yes. तो मैंने बस आंखें बंद करके हाँ कर दिया. ओके, जब फीडबैक मिला तो क्या रिएक्शन था? इतना प्यार मिलेगा, ये सब एक्सपेक्टेड था या नहीं? बिल्कुल नहीं था, शो के लिए था, बिकॉज शो की स्टोरीज इतनी अच्छी थी, शो को जिस तरीके से प्रमोट किया गया वो सबसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये शो अच्छा चलेगा, पर मुझे इतना प्यार मिलेगा वो मैंने नहीं सोचा था. मुझे तो खुद का डर लग रहा था कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे नया चेहरा कि नहीं, क्योंकि आई गेस जितने भी नए लीड्स आते हैं उनका सबसे पहले मन में यही डाउट होता है कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो शो नहीं चल पाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो हाँ, तो मुझे वही एक डर था, लेकिन वो भी सिर्फ मुझे इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है, फर्स्ट डे से मिल रहा है, जो हमारा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था उसके बाद से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जब उन्होंने, सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया. सो आई फील कि यार ये अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज्यादा. ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि कश्मीर आपके ऑपोजिट पर है, तो क्या रिएक्शन था? मैं जानती नहीं थी ऑनेस्टली कश्मीर को. ओके, मुझे नहीं पता था कश्मीर महाजनी कौन है, मुझे मयूरी दी भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे मराठी उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, मतलब मैं इतनी ज्यादा उसमें नहीं थी. मैंने सिर्फ मराठी कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे कि सैराट है, उसके अलावा मैंने कटियार कालजात भूसली देखी है, ये दो फिल्में मैंने मराठी में देखी है जो कि आप समझ सकते हो इजिली. तो ये प्रॉपर महाराष्ट्रियन जिन्होंने मराठी इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम है, कश्मीर महाजनी और मयूरी देशमुख, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं था. Okay. मुझे यहाँ अपना इंडियन टेल, मतलब इंडियन क्या बोल रही हूँ, मतलब जितना भी हमारा है हिंदी टेलीविजन जितना भी है, मुझे उसके बारे में किसी के भी नाम लो मुझे वो सब पता रहता है, लेकिन अलग से मुझे नहीं पता था. तो मैंने जब मुझे नाम पता चला, सो माय फर्स्ट थिंग जो मैं हमेशा किसी के बारे, मतलब जब मुझे पता चलता है कि मेरे को एक्टर ये है, सबसे पहले उनको स्टॉक करती हूँ और ये पता करती हूँ कि उन्होंने इसके पहले क्या क्या किया है. तो जब मुझे पता चला कि ये मराठी एक्टर्स हैं और ये मराठी में इन्होंने इतना किया है, और तब मुझे इस चीज का भी पता चला कि इनका भी हिंदी में पहला प्रोजेक्ट है. ओके,
तो मैं थोड़ी सी फिर मैं रिलैक्स हुई कि चलो मेरा तो खैर लीड पहला है, इनका भी हिंदी में पहला है, सो आई फील कि क्या पता, मुझे डर इस बात का था, थोड़ी नर्वस थी मैं इन दोनों के साथ क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, सो यू नेवर नो कि सामने वाले की हर चीज के रिएक्शन कैसे होंगे. आप अगर सामने वाला एक्टर कभी लाइंस भूल जाए, कभी कहीं अटक जाए, कभी फंबल कर दे, कभी ऐसा दिन आता है एक्टर्स का भी कि जब आप एक सीन को भी आपको 20 से भी ज्यादा टेक लेने पड़ते हैं, जो बहुत अच्छा भी एक्टर होगा जो हर सीन एक टेक में करता है वो भी कभी कभी 20 टेक्स ले लेता है, तो सबका दिन नहीं होता. तो मुझे वैसे ही लगता था क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा लाइन भूलना या फंबल वगैरह कभी कुछ नहीं होता, वो कहीं से लगता था कि कभी अगर अटक गई तो सामने से अगर चिल्ला दिए या गुस्सा कर दिए, वो इतने मतलब बड़े एक्टर्स हैं, इतने सीनियर हैं मुझसे, तो मुझे एक उस चीज की बस नर्वसनेस थी. तो वो तो जब हम दोनों, हम तीनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई तो वो तो अभी कहीं से कहीं तक नहीं है. इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि इमली के कैरेक्टर से आपने क्या कुछ सीखा है अब तक का? इमली के कैरेक्टर से मैंने, इमली से सीखने वाली बहुत सारी चीजें. इमली जितनी ऑनेस्ट है हर चीज को लेके और वो जितनी सच्ची है, वो सबसे आई गेस यूएसपी है वो इमली की, कि वो बहुत सच्ची है, वो बहुत दिल की साफ है. तो कोई बैठ के अपना दिल साफ नहीं कर सकता, और सबका दिल जितना साफ होता है वो होता ही है, कुछ लोगों का होता होगा नहीं होता हाँ होगा. हाँ करेक्ट सो इट जस्ट दैट इमली से सीखने के लिए कि ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है लाइफ में. आप ऑनेस्ट रहोगे तो लाइफ आपके साथ ऑनेस्ट रहेगी बिल्कुल हमेशा. और उसका डेडिकेशन उसके सपनों को लेकर कि मुझे ये चीज करनी है लाइफ में तो मैं कैसे भी करूंगी, चाहे मैं शादीशुदा हूँ, चाहे बाद में मेरे बच्चे हो जाएं, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियां हैं, पर मैं अपना सपना कभी नहीं छोड़ूंगी उसके लिए. तो वो चीज जैसे इमली की शादी हो गई जबरदस्ती, वो शहर आ गई लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी, सो वो चीज, वो डेडिकेशन इमली से सीखना चाहिए. और उसके अलावा भी उसकी जो डेडिकेशन लेवल उसकी लाइक लव इंटरेस्ट की तरफ भी है, जो उसके पति है उसकी तरफ जो उसका डेडिकेशन है, जितनी डेडिकेटेड वो आदित्य के लिए है, वो जितनी मोहब्बत करती है उनसे और जितनी ऑनेस्ट है वो उनके साथ, वो चीज सीखनी चाहिए. इसके अलावा ये जानना चाहेंगे बिगेस्ट और हार्डेस्ट चैलेंजिंग थिंग क्या थी, मतलब कश्मीर के साथ करने वाली बिगेस्ट और हार्डेस्ट चैलेंजिंग थिंग? कश्मीर के साथ, कश्मीर और मैं आई गेस स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के 15 डेज में ही हमारी बॉन्ड इतनी अच्छी होगी कि आज तक हमें कभी डिफिकल्टीज नहीं आई कोई भी सीन शूट करने में, कभी भी नहीं आई. हमारे लिए साथ में किसी भी तरह का सीन करना बहुत आसान है. हम जितने भी, मुझे अभी कितने लोग पूछते हैं कि हम दोनों में कितना एज डिफरेंस है तो कैसे मैं रोमांटिक सीन्स कर पाती हूँ उनके साथ, वो सब तो कभी मुझे ये सब चीजें मेरे दिमाग में भी नहीं आई, क्योंकि हमारे बीच में वो बॉन्ड इतनी अच्छी है और वो इतनी स्ट्रांग है कि हमें एक दूसरे की वजह से कभी सीन के दौरान प्रॉब्लम्स नहीं हुई. जबकि हम लोग के जो आइडियाज होते हैं सबका अलग अलग व्यू होता है एक सीन को लेके, मेरा करेक्ट अलग व्यू होता है, कश्मीर का अलग होता है, तो उल्टा हम एक दूसरे से आइडियाज लेकर वो सबको जोड़कर हम एक सीन को और बेहतर बनाते हैं. सो आई गेस वो हमें वो बॉन्ड मिल गई है और वो एक टीम वर्क हो गया हमारा, वो टीम बन गई है. सो मुझे कभी डिफिकल्टी नहीं हुई कश्मीर के साथ काम करने में. ओके एनी फेवरेट और चैलेंजिंग सीन फॉर इमली? फेवरेट चैलेंजिंग, फेवरेट फेवरेट या तो चैलेंजिंग कोई भी एक. या तो चैलेंज, चैलेंजिंग सीन कोई. यस चैलेंजिंग सीन मेरे लिए होते हैं बारिश में शूट करना, क्योंकि मैं बारिश में, मुझे बहुत ऐसे इरिटेशन होता है, मैं बहुत इरिटेट होने लगती हूँ. मैं इरिटेट बहुत जल्दी होती हूँ सेट पे, मतलब वैसा एकदम वैसे वाला इरिटेट नहीं होती, पर मैं मनी मन में बहुत इरिटेट होती हूँ जब बहुत इंटेंस सीन चल रहे होते हैं ना, और जब बीच बीच में कट 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 होता रहता है किसी भी वजह से, क्योंकि कभी क्या होता है रोते रोते आपकी नाक बहने लगती है, तो आप नाक बहना टीवी पे दिखा नहीं सकते, तो करेक्ट वो मेरी वजह से ही होता है कि नाक बहने लगी तो कट हो गया, फिर नाक पोछो, फिर बहते बहते पसीना आ गया तो पसीना पोछो. उस चक्कर में जब वो मूड जग होता है ना, मैं तब जो लेवल का इरिटेट होती हूँ, और जब बारिश में आप इंटेंस सीन कर रहे हो तो मतलब तब तो आपके मुंह से लार भी टपक सकती है, आपका मुंह पूरा टाइम खुला हुआ है. उसमें मैं बहुत इरिटेट होती हूँ. तो बारिश में शूट करना, बारिश में ठीक है लेकिन उसके बाद जो आपको भीगे भीगे हुए बैठे रहना पड़ता है ना एकदम गीले कपड़ों में, वो बहुत इरिटेटिंग होता है, सर भारी हो जाता है विग के साथ, तो वो सब चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि मुझे वो पूरा इरिटेशन कंट्रोल करके रखना पड़ता है. ये सब तो तो नहीं यही देखा. है मेरा.
ये सबसे ठीक था, काफी इंटेंस सीन भी यू नो आपको इरिटेट कर रहे थे, बट कौन सा एक ऐसा सीन है जो यू नो आपको इमोशनल कर दिया शो पर, ये शो ने? ऐसे बहुत सारे सीन है, क्योंकि मैं कभी कभी मेरे साथ मेरा जो काम करने का तरीका है वो ऐसा है कि व्हेन आई गेट इनटू अ सीन, एनी सीन, एनी इंटेंस सीन और एनी फनी सीन, एनी सीन, मैं उसके अंदर इतनी अच्छे तरीके से मैं घुस जाती हूँ दैट आई फील मैं ही इमली हूँ और ये मेरी असली लाइफ चल रही है. ओके, तो मुझे सीन ने इमोशनल भी इस तरीके से किया कि मैं इमली होते हुए इमोशनल हुई हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि एक बार इमली के कॉस्ट्यूम में आने के बाद आई जस्ट डोंट रिमेम्बर हु सुंबल इज, वो फिर अपने आप ही वो इमली निकलता है, वो जो दिल से आता है. ओके, सो जितने भी सीन्स है, जितने भी हमने इंटेंस सीन करे हैं, चाहे जैसे कि मेरा रिजल्ट आना हो गया, उसके अलावा मेरा अपनी माँ से दूर जाना शादी के बाद, वो सारी सीन्स जब मैंने इमली के वे में फील करे, उसके व्यू से फील करे. इनफैक्ट हमने एक जो सीन किया था आदित्य को मिट्टी से बाहर निकालने वाला, वो सीन जब मैं कर रही थी वो भी इमली के वे में उस सीन को सोचना, तो वो चीजें मुझे बहुत इमोशनल करती हैं, उस वे में करती हैं. जब मैं एकदम इमली के किरदार में होती हूँ मैं तब इमोशनल होती हूँ. ओके, इसके अलावा जानना चाहेंगे कौन सा एक ऐसा सीन है जो यू नो आप कभी करना नहीं चाहूंगी, जो इमली के शो में यू नो आपने किया है? अभी तक तो ऐसा आई गेस कोई भी सीन नहीं जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी, अभी तक अच्छा चल रहा है. ओके, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू नो यू फील अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर? दैट आई गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू सीन्स, जैसे कितनी भी चीजें हो, इमली का कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो प्रॉपर एकदम वो टिपिकल लड़की, बाल उड़ाने वाली लड़की नहीं है, वो पूरी खूबसूरत ऐसे मूर्ति नहीं है जिसको इंसान बैठ के पूजता रहे, वो वैसी नहीं है, वो एक फ्लॉज वाली लड़की है, उसमें बहुत फ्लॉज है, वो एकदम नेचुरल लड़की है, वो बहुत क्लमजी है, वो बहुत हरकतें करती है, बहुत गलतियां करती है. तो मुझे एक्सपीरियंस इतना कुछ करने को मिल रहा है इमली के वे में, क्योंकि इमली मोर लाइक बच्ची है जैसी भी है, तो वो कभी पेड़ से कूद जाती है, कभी कहीं पे लटक जाती है, पेड़ पे चढ़ जाती है, वो कुछ भी कर सकती है. तो उस चक्कर में मुझे पेड़ से कूदना, फिर पानी की टंकी पे चढ़ जाना, पेड़ के ऊपर चढ़ना, और जो मैंने पेड़ पे चढ़ने का सीन किया था वो मैंने बिना हार्नेस के किया था, मैं सच्ची चढ़ी थी पेड़ के ऊपर. सो इट्स लाइक कि ये सब चीजें मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. सो ये मेरी फेवरेट चीज है. ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आप आपकी पढ़ाई भी कर रही हो, तो ये इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद आप कैसे आपका एजुकेशन और यू नो शो को मैनेज कैसे करती हो आप? अभी तो खैर हो गई 12th पास में. ओके, सभी हो गए. सो पर आई गेस हेक्टिक शेड्यूल भी अगर बोले तो हमारा शेड्यूल तो सिर्फ 12 घंटे का होता है ना, इट्स लाइक 6:30 सुबह से लेके शाम को 6:30 तक. After 6:30, I go to bed around 10:30. So, उतना जो 6:30 से 10:30 का वक्त होता है, उसमें मेरा शावर लेना, मेरा खाना खाना, उसके अलावा मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और फिर मुझे आराम से 2 घंटे मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए. फिलहाल मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, पर अगर मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा, मुझे वक्त पूरा मिलता है. ओके,